आएगा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात। ये पागल की तरह अकेले में क्या गाना गा रही है तू? संजू पता है, मैं ना अंताक्षरी के क्विज प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हूँ। चलो, ये अंताक्षरी का ब्रेक तुम्हें भी लग गया? मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों के बाद स्कूल में पाठ्य पुस्तक की जगह ये अंताक्षरी और क्विज प्रोग्राम की बुक्स लगाए जाएंगे पढ़ाने के लिए। संजू वो सब छोड़ो ना, तुम बोलो ना, तुम मुझे इसमें मदद करोगे ना? मैं क्या मदद करूंगा? तुम मेरी प्रैक्टिस ले सकते हो। चलो, अरे चलो चलो चलो, सुनना, इधर बैठते देखते हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इतनी करीब बैठोगी ना तो वहाँ पहुँच जाओगी जहाँ तुम्हें नहीं पहुँचना चाहिए। सुनो ना, बोलो बोलो। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ हाँ, से तुम गाना गाओ। मैं हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, बस इतना ही आता है मुझे। दरवाजा बंद कर लेना, लोगों को लगेगा घर में आग लग गई। कौन रो रहा है सुबह सुबह? कोई रो रहा है ऐसे लगता है, लेकिन आपकी सासू माँ गा रही है। सासू माँ क्यों सुबह सुबह सारा एटमॉस्फेयर खराब कर देती है आप? हे दामाद, मैं अर्चना की मदद कर रही हूँ। रोने में, गाने में। ओफो मोती, अर्चना ना अंताक्षरी में हिस्सा ले रही है। माँ ने ना से गाना गाया। ये ना गाए तो ही अच्छा है। ओफो जीजू, रिम जिम, माँ से क्या हो सकता है? मोती राम, मुझे शब नहीं गाना चाहिए। तुमने जुल्म किया वो तो मुझे मालूम है, लेकिन प्यार कब किया रे? सर, ऑफिस में कस्टमर आया है। तुझे ऑफिस में किस लिए रखा है? मुझे क्यों बोलने आया तू? सर आप ही नहीं बोला था, कोई लेडी कस्टमर आए तो खुद बुलाने को आना। लेडी संजू यो आया। यो नहीं आया, कस्टमर आया। यो से गाना। यो से गाना? अच्छा अंताक्षरी खेल रहे हो? मैं कोशिश करता हूँ। याद न जाए बीते दिनों की, दिल क्यों बुलाए? तुझे किसी ने नहीं बुलाया है यहाँ पे, लगता है अनाथ आश्रम से आया। संजू यो से गाना। मैं गाती हूँ। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटे बदलते हैं। वो तो मैं रोज करता हूँ, जब तुम खर्राटे भरती हो मैं करवटे बदलता हूँ। ओ तो संजू चलो ना, हम लोग कहीं और जाकर प्रैक्टिस करते हैं। अरे बस, ऐसे में अगर अंताक्षरी गाते रहूंगा ना तो मुझे ही गाना पड़ेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम कुछ दोगे वो कुछ देगा। हाँ कहिए, क्या कुरियर करना चाहती हैं आप? मैं मेरे हस्बैंड को ये लेटर कुरियर करना चाहती हूँ। अच्छा, ये लेटर खोल के दिखाइए। किस लिए? अरे मैं पढ़ना चाहता हूँ आपने क्या लेटर लिखा है। क्यों? क्या घबराई मत, मैं मेरी सेफ्टी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे लेटर का आपके सेफ्टी से क्या संबंध? अपने बॉयफ्रेंड को एक लेटर लिखा था, पाने वाले ने पढ़कर खोलकर मुझे मारना शुरू कर दिया। क्यों? उसने लेटर में लिखा था जो कोई भी ये लेटर लेके आएगा उसे मारना। लेकिन उस औरत ने ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि वो मेरी लैंडलेडी थी। नहीं, मैंने इस लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना? बल्कि मैंने मेरे हस्बैंड को लव लेटर लिखा है। अच्छा, लव लेटर लिखा है? अच्छा, लेकिन क्या हो जाएगा, कभी भी डेंजर हो जाएगा, मार खाना पड़ता है। आप लिखते हैं और मुझे मार खाना पड़ता है। क्या क्या है? मेरे प्यारे रयामू, ये रयामू देखो बहुत ज्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा सामान है, लिख लो। ठीक है। संजय, ओ संजय, अरे क्या रे, जल्दी आइए। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे? ये लो सामान लाना है तो
सामान क्या क्या रहना है वो लिखना है, पेन दीजिए प्लीज। शुगर है, लिखने के लिए नहीं बोल रहा है मुझे। बोलिए। एक किलो शक्कर, एक किलो तूर दाल, एक नारियल, दो किलो चांद, दो किलो तारे। ये अर्चन मुझे कंफ्यूज कर रही है। क्या लिख रहा है तू? चल लिख कर एक आंखें। तू चुप कर, चुप कर। अब जितना लिखा है उतना लेके आ जा। पैसे का सामान आने के लिए, वो दुकानदार मेरा ससुर नहीं है। ए, उसको मेरा नाम बोल, खाते पे लिख देगा वो। आपका नाम बोलू तो? सब आधा किलो ही मिलने वाला है। शट अप, पेन दे मुझे। हेलो जी, मैं वो मशहूर गीतकार रवि बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने मेरा गीत कुरियर किया? हाँ वो भेज दिया ना, मेरा असिस्टेंट लेके गया। लेकिन डायरेक्टर का फोन आया था कि वो आदमी अभी तक पहुँचा नहीं। वो क्या है, आते थे दो चार कुरियर करके आएगा। दरअसल हमारा कुरियर सर्विस बहुत बिजी है, बहुत लोड पड़ता है बेचारे पे। आएगा आएगा, जल्दी पहुँच जाएगा वो। ये कवि का फिल्मी गीत कहाँ है सर? ये आता हूँ, ये रख कर आता हूँ। अंदर रख के तू यहाँ किस लिए काम पे रखा है? सर ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए कर रहा है? हाँ, अगर ये काम मैंने नहीं किया तो वो लोग जगह खाली करने को बोलेंगे। ठीक है, अंदर जाके दे दे। सर मैं ये सामान अंदर रख कर आता हूँ। आप ये गीत कुरियर करके आना। अच्छा, तो तू अंदर का काम करेगा, मैं बाहर करता हूँ। समझिए ना सर, दे दीजिए आपका प्रेम गीत। प्रेम मेरा मतलब वो रवि कवि का। कवि रवि कौन है वो? हाँ समझ गया। अरे अरे ये तो लॉन्ड्री रिसीट है। अरे ये अरे क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ सर। क्या हुआ? प्रॉब्लम। अरे वो गीत का कागज था ना, उसके पीछे मैंने सामान की लिस्ट लिखी थी और वो लिस्ट मैं बन्या को देकर आया। मैडम सेठ जी, अर्चना कहा हूँ तो। अरे क्या 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 हुआ, क्या हुआ? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम है? क्या एक कस्टमर मेरे पास फिल्मी गीत लेके आया था तो एक म्यूजिक डायरेक्टर को कुरियर करने के लिए, ये रमेश ने खो दिया। तो इसमें नई बात क्या है? और इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमने क्या किया है? आपने बीच में बुलाया था वो सामान लाने के लिए, वो गीत के कागज के पीछे मैंने सामान की लिस्ट लिख दी और वो लिस्ट मैं बनिया को देकर आया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बनिया के पास जाओ और वो कागज लेकर आओ। बनिया के पास वो कागज नहीं है। तो कहाँ है वो कागज? एक गाय के पेट में। क्या? एक गाय वो कागज खा गई। वो गीत गायक के बजाय गाय खा गई। यार मेरी कुरियर सर्विस की इज्जत खतरे में है और आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं, लेकिन वो। हेलो। हाँ बोल। कौन बोल रहे? कवि। हेलो, मेरे गीत को आपने कुरियर किया कि नहीं? वो गीत की आपके पास जेरोक्स कॉपी है? नहीं, जेरोक्स कॉपी तो नहीं है। नहीं तो वो आप गीत फिर से लिख सकते हैं? नहीं नहीं, मैं फिर से नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए कि मैंने उस गीत का सिर्फ मुखड़ा लिखा है, बाकी का पूरा गीत मैंने अपने एक स्टूडेंट से लिखवाया था। स्टूडेंट से? स्टूडेंट का क्या इस्तेमाल हो रहा है इस देश में। नहीं लेकिन वो स्टूडेंट फिर से लिख सकता है? नहीं नहीं, वो तो शादी करने गया है। शादी करने चला गया? क्यों? अब क्या करेगा तू? अब वो गीत मुझे ही लिखना पड़ेगा। क्या? लिखना ही पड़ेगा। चल रमेश, कहा उस प्रेम गीत के लिए कुछ मसाला ढूंढते हैं। चल उठ। ओहो संजय साहब, इस बाग में आपको प्रेम गीत का मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है? अरे मिलेगा तो बाग में ही मिलेगा। कैसे? तूने फिल्मों में देखा नहीं क्या? अरे लव सॉन्ग अक्सर बागों में ही फिल्माया जाता है, जिसमें हीरो हीरोइन के पीछे लव सॉन्ग गाते हुए भागता है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे ये गाना गाने के लिए बोला मैं? पुलिस अगर तेरे गाना सुनेगी ना तो तेरी सूरत बिगाड़ देगी। जल्दी से देख, जल्दी से एक प्रेमियों की जोड़ी कहीं दिखती है देख। चल वो देखो, वो देखो।
तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो चुप हो। अच्छा ये बताओ तुमने दोपहर में खाना क्या खाया? तुमने क्या खाया? मैं तो आलू की भाजी और रोटी और चावल खाया। मैंने भी वही खाया। डैडी को पता चल गया क्या तुम्हारे बारे में? सो हुए क्या? नहीं, खुश हुए। कह रहे आधे घंटे से हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं की तुम दोनों ने। अरे कम से कम आई लव यू इतना तो बोलो। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, नहीं तो हम लव सॉन्ग कैसे लिखेंगे? माधव फिर कल मिलते। ओके कल कहीं और मिलते। सुनो, अरे कल मिलना है तो मिलो, लेकिन कल क्या बोलेंगे वो आज बोल के जाना, पर हमें टाइम नहीं है। हाँ, बहुत पार्सल पैक करने। मैं बोला ना ये बोलने की जरूरत है? काम 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 काम। ठीक है, दूसरी जोड़ी ढूंढे। क्या रास्ते का पत्थर है वो ढूंढने का? क्या बोलते तू? ए, मैं किधर बोली? तो उधर थोबड़ा करके क्या देख रहे लिया है? कभी कभी मेरा बाप इधर से गुजरता है ना। अरे अपने बाप को समझा मेरे से पंगा नहीं लेने का, मैं उसकी खटिया खड़ी कर देगा। ए, मेरा बाप मेरे को बहुत चाहता है। तो मैं नहीं चाहता। अरे मैं नहीं चाहता तेरे को। हाथ छोड़, खुद को क्या आमिर खान समझता है या वो भिखू मात्रे? हाथ छोड़। चल चल, गुस्सा नहीं करने का, शाम को पिक्चर देखने आएगी क्या? कायकू, उस दिन गए थे तो मेरे पीछे वाले आदमी का थोबड़ा फोड़ दिया तूने। उसको तेरे कंधे पे हाथ रखने को किसने बोला था? तू एक दिन मार खाने वाला है। अरे छोड़ छोड़, पकिया भाई को मारने वाला कोई भाई का लाल पैदाइश नहीं हुआ क्या? ज्यादा शांत पति मत दिखा, मेरा भाई है ना बॉक्सिंग चैंपियन है। मतलब मेरा साला? लेकिन उससे ही बोल के रखने का कि अपुन से चैंपियनगिरी नहीं करने का, वरना तोड़ डालेगा उसे। क्या मेरे भाई को हाथ लगाएगा तू? ए, मेरे भाई को हाथ लगाया ना तो देख क्या कर लेगी तू। क्या कर लेगी तू? हाथ छोड़ मेरा। अरे हाथ छोड़। इधर भी यही चल रहा है, उधर भी वही चल रहा है। प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ के ये फट डालेगा तट डालेगा राड़ा कर रहे है क्या? क्या चल रहा है? कौन है वे? किसको बोल रहे थे? कौन है बे? गलत लाइन में आ गया, ये अंडरवर्ल्ड में ही जाना था। संजू क्या हुआ? हो गया लव सॉन्ग तैयार? क्या खाक लव सॉन्ग तैयार हो गया? हाँ बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। क्यों रे, तू तो मटेरियल ढूंढने गया था। क्यों? शहर के सारे प्रेमी इमटेरियल बातें करते हैं। संजय अब क्या करोगे? क्या करूंगा? गीतकार के अंतिम दर्शन की तैयारी करूंगा। अरे इसमें इतना निराश होने की क्या बात है, हम सब मिलकर गीत लिखते हैं। चलो ये देखो, पहली लाइन तो मैंने लिख दी है। क्या है? क्या है? पढ़ो पढ़ो। मैं तेरा नहीं, शहर कहता है यानी मैं तेरा रसगुल्ला हूँ, तुम मेरी जलेबी। बस इतना ही लिखा है। ये आगे आगे मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ। संजू लिखो। मेरा बलमा है फालूदा, मैं उसकी कुल्फी। ये तो बहुत आसान है, ऐसा तो मैं भी लिख सकती हूँ। लिखो लिखो। मेरा बलमा है बल्लेबाज, फिक्स हो गया हमारा मैच। उसमें क्या है, तुम्हें भी लिख सकती हूँ। संजय इधर आओ, इधर लिखो। हाँ, मेरे पिया है लीडर, मेरे पिया है लीडर, है 6 महीने से अंदर। अभी क्या बोल रहे हैं? क्या बात है सेठ जी, आपका योगदान। लिखो लिखो। कवि कहता है, यानी कौन? कवि कहता है, कैसी मिली है बीवी, कैसी मिली है सास,
एक दिखाए आंखें, दूसरी फुलाए सर। मैं लिखता हूँ। तू भी लिख ले, तूने क्या पाप किया, लिख ले, लिख ले। क्या कर रहे हैं? मेरी सोचने की स्टाइल। मेरी महबूबा है कमाल, उसने कर दिया मुझे कंगाल। तू गीत लिख रहा है या बर्तन बेच रहा है? लिखते जाओ, लिखते जाओ। मैं यही गीत जाकर उस म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में देता हूँ। शाबाश। अरे वो तुम्हारा मनहूस लिरिक राइटर अभी तक नहीं पहुंचा लव सॉन्ग लेकर। उसका फोन आया था सरकार, उसने कहा कि आपका गीत कुरियर से भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द। कुरियर वाला? यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मैं नहीं हूँ, मैं धुन बनाता हूँ, नाम इनका लगता है। इनका अपने ये सही है। कैसा? काम मैं करता हूँ, तू भाव खाता है। मैं हूँ। अच्छा जी, ये रवि नाम के गीतकार ने आपके लिए सॉन्ग भेजा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कहाँ है वो सॉन्ग? रमेश, सॉन्ग दिखा। ये रहा आपका सॉन्ग। गिरेगा सॉन्ग? जरा मैं भी देखूं। दिखाओ दिखाओ, इसे दिखाओ। पढ़ो, पढ़ने आता है? पढ़ो। मैं ये गाना पूरा का पूरा रिकॉर्ड करूंगा। वैसे भी फिल्म की लंबाई थोड़ी कम ही है ना। मेरा गीत मिल गया, मेरा गीत मिल गया। मेरे गीत की कॉपी मिल गई। गीत की कॉपी? तो फिर ये गीत किसका है? ये गीत चार पांच गीतकारों ने मिलके लिखा है, इसमें से ये है। लेकिन मैं तो इसे ही रख रहा हूँ। फिर मेरे गीत का क्या होगा सर? तेरा गीत, ये गीत है। Nonsense! अरे गीत तो इसे कहते हैं। Excuse me, आपका नाम क्या बताया? संजय बाद भंडारपुरी। हाँ, आप मेरे लिए इसे चार पांच गीत लिख के दे सकते हैं?